मॉडल्स हैं, मॉडल कैसे फिलअप की जाती हैं पहले मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। मॉडल क्या होता है, जैसे शुड और विल। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए और विल का मतलब है गागेगी। तो इसमें यह है यू रीच इन टाइम फॉर इंटरव्यू। तो शुड यू रीच, क्या तुम्हें समय पर ही जाना चाहिए। मनु हैज़ लिव्ड इन पुणे फॉर 5 ईयर्स। मनु जो है 5 सालों से पुणे में रह रही है। ही स्पीक मराठी फ्लुएंटली। तो ही कैन मतलब सकती है उसका, वह सकता है, वह मराठी बोल सकता है। कैन किसको बताता है, कैपेसिटी को। किसको बताता है, capacity. अगर वो 5 सालों से रह रहा है तो वो बोल सकता है। यू बी मोर केयरफुल व्हेन साइकिलिंग ऑन द मेन रोड। जो पहले वाला है यू रीच इन टाइम फॉर द इंटरव्यू, तो इसमें शुड यू रीच तुम्हें पहुंच जाना चाहिए, और अगर कोई विल यू रीच लगाएगा क्या तुम समय से पहुंचोगे, तो ये क्वेश्चन इसमें अगर विल भी लग सकता है। ये कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है। यू बी मोर केयरफुल व्हेन साइकिलिंग ऑन द मेन रोड। तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब तुम साइकिल चला रहे हो। तो चाहिए के लिए एक तो शुड लगता है, इसमें शुड नहीं है तो ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अब कुड का मतलब है कैपेसिटी, क्या तो मुझे दे सकते हैं, और शुड मतलब चाहिए। तो यू लेट मी नो द टाइम व्हेन द फ्लाइट विल अराइव। तो इसमें कोई चाहिए तो है नहीं कि क्या तुम तो मुझे बता सकते हो कि फ्लाइट कब उड़ेगी, तो क्या होगा, कुड यू लेट मी नो, क्या तुम तो मुझे बता सकते हो। मिस्टर पेडलकर हैव गोन टू बेड बाय नाउ। अब तक मिस्टर पेडलकर बेड बिस्तर में चले गए हैं। कॉल हिम टुमारो मॉर्निंग। तो नीड हैव, तो नीड तो जरूरत, जरूरत तो है नहीं तो मस्ट है। मस्ट है मतलब अब तक उन्हें बेड में चले जाना चाहिए। इट इज़ नॉट टुमारो। तो ये कल बर्फ गिर सकती है, तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी तो है नहीं कि गिरेगी गिरेगी, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या आता है, माइट। माइट जैसे मैं कहूँ इट मे रेन टुडे, इट माय रेन टुडे। माइट क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। पहले भी बताया था मैंने कि कल बारिश हो सकती है, कल बर्फ़ गिर सकती है। यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। क्या तुम ऑरेंज जूस लेना पसंद करोगे, तो ऐसे सेंटेंस में लगता है वुड। जैसे हम किसी को पूछते भी है ना, कोई हमारे घर आता है तो कैसे पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो कैसे पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। रचना हेल्प यू क्लीन द डिशेज। तो रचना नीड की तो जरूरत, रचना नीड तो आएगा ही नहीं क्योंकि नीड की कोई ज़रूरत नहीं है। रचना विल हेल्प यू, ये क्या कह रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए रचना आपकी हेल्प करेगी। अब जैसे इसमें मे का मतलब क्या होता है, परमिशन लेना या देना, और संभावना। जैसे मैंने कहा ना, मे आई कम इन, यस यू मे, इट मे रेन टुडे। शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। कैन बताता है कैपेसिटी। ये शैल नॉट है, शैंट को क्या पढ़ते हैं, शैल नॉट मतलब नहीं होगा। ये वांट है, वांट को क्या पढ़ते हैं हम, वांट किसकी शॉर्ट फॉर्म में, विल नॉट की। विल नॉट भी होता है नहीं होगा, विल मतलब होगा, मस्ट का मतलब चाहिए, शुड भी चाहिए, शैल होगा। अब जैसे धीरेन, आई बी एबल टू अटेंड द पार्टी टुमारो। तो मैं कल पार्टी अटेंड कर पाऊँगा, तो क्या होगा, आई शैल बी एबल। आई के साथ क्या आता है, आई और बी के साथ शैल। मनीषा यू बी एबल टू कम फॉर सम टाइम। क्या तुम कुछ समय के लिए आ सकोगे, तो विल यू बी एबल।